हूँ आप सभी को। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ योगिनी शिखा गुप्ता और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आंखों के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम जिन्हें करने से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों आजकल जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ज़्यादा देर तक मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ करने से हमारी आँखों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें भारी भारी रहती है, कुछ दर्द सा भी बना रहता है, हमारा सर भी भारी होता है जिसके कारण। तो ऐसी समस्याओं के लिए आज आपके लिए मैं सूक्ष्म व्यायाम लेकर आई हूँ जिन्हें करने से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे ऐसी विशेष जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले आपको इस तरह से सुखासन में बैठ जाना है, आलती पालती मारकर, या फिर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पर बैठकर इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डीप इनहेल और डीप एक्सहेल कर लेना है, अपने शरीर को तैयार करना है। दो बार कर लेंगे डीप इनहेल और डीप एक्सहेल। चलिए यहीं से अब आपको क्या करना है, आपका जो नोज का टिप है उसको देखना है। जब आप अपने नोज को देखेंगे तो आपको प्रयास ये करना है कि आपको अपनी आंखों को झपकाना नहीं है। मन ही मन 10 ब्रीथ काउंट कीजिए। थोड़ा सा आप क्या होगा, आपको जब शुरुआत में करेंगे तो आपकी पलकें थोड़ा सा झपकेंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये होता ही है। तो 10 ब्रीथ होने के बाद आप आंखों को धीरे से बंद कर लीजिए, आंखों को रिलैक्स दे दीजिए। फिर से करेंगे, वापस आएंगे, देखेंगे अपने नोज के टिप को, होल्ड करेंगे, काउंट करेंगे 10 ब्रीथ। आईज क्लोज। इसी तरह वापस आएंगे, फिर से करेंगे 10 ब्रीथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, आईज क्लोज। गहरा लंबा श्वास एवं प्रश्वास। यह है आपको कम से कम शुरुआती टाइम में आपको 5 टाइम करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, हमको अपनी आईज से रोटेशन करना है, रोटेशन क्लॉकवाइज करना है इस तरह से। टेन ब्रीथ तक काउंट करते रहेंगे मन ही मन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, आंखों को रिलैक्स देंगे, यहीं से वापस आएंगे और अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इस तरह से उल्टा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9 10। रिलीज, आईज क्लोज। ये आपको 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करना है।
आपको ध्यान ये रखना है कि बीच बीच में आपको अपनी आंखों को रिलैक्स देना है, यानी कि आंखों को बंद कर लेना है, जिससे कि आंखों पर ज्यादा जोर ना पड़े। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। इस तरह से आपको अपने राइट हैंड के थंब को आगे रखना है अपने नोज के सामने और उसके टिप को देखना है। अब धीरे धीरे से अपने हाथों को स्ट्रेट करना है और धीरे धीरे से बैंड करते हुए अपने आंखों के सामने लाना है। इस तरह से आपकी जो नजरें हैं वो आपके अंगूठे के टिप पर होंगी। प्रयास ये कीजिए कि आपकी नजरें बिल्कुल आपके अंगूठे के टिप पर, ये भी आपको 10 टाइम करना है। बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे, जितना आप धीरे धीरे करेंगे उतना ही आपको अच्छा बेनिफिट होगा। 10 टाइम करने के बाद वापस आंखों को बंद कर लेंगे, रिलैक्स देंगे। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। वापस आएंगे। अब आपको दूसरे वाले हैंड से करना है। इस तरह से थंब को पूरा आगे एवं पूरा ही हाथ को स्ट्रेट करना है। आपकी जो नजरें हैं आपके थंब के टिप के ऊपर, बहुत ही अच्छा आंखों के लिए व्यायाम। ये भी आपको 10 टाइम कर लेना है। इसके बाद वापिस आके आपको अपनी आंखों को बंद कर लेना है, रिलैक्स देना है। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। इसके बाद वापिस आ जाना है। ये थे आंखों के लिए कुछ छोटे छोटे से 3 अभ्यास, जिन्हें करने से आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। यह आप रोज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको रोज करने में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।